आईपीएल 2018 का ऑक्शन चल रहा है, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों में केरोन पोलार्ड को राइट टू मैच के जरिए मुंबई ने 5,40,00,000 रुपए में खरीदा है। इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स को राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ में खरीदा है। वहीं मिशेल स्टॉक को केकेआर ने 9,40,00,000 रुपए में खरीदा है। फैक्ट डू प्लेसिस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1,60,00,000 रुपए में खरीदा है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर अल हसन को हैदराबाद ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। केरोन पोलार्ड को भी मुंबई इंडियंस ने राइट टू मैच के जरिए 5.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो वहीं गैलिन मैक्सवेल को दिल्ली डेयर डेविल्स ने 9 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं इस ऑक्शन के दौरान पहले राउंड में क्रिस गेल को कोई भी खरीदार नहीं मिल सका है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।